नमस्कार साथियों, आज हम वापस से आ चुके हैं मसीही विद्यालय में, जहां आज बच्चों से पूछेंगे कि आज का पेपर टफ था, मॉडरेट था या इजी था। साथियों, जैसा कि बच्चे कुछ हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि हो सकता है कि इस बार टफ पेपर आए, तो आज देखते हैं कि एमपी से प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। चलिए मेरे साथ आइए। साथियों, एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम इसे जानेंगे इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। तो आपका नाम क्या है? नाम मेरा चंचल है और राजस्थान से आया। राजस्थान से आया? अच्छा, भरतपुर से आया वो। तो अगर पूछा जाए कि मैथ्स और रीजनिंग, या अगर पूछा जाए कि पूरा पेपर कैसा रहा, हाई रहा, मॉडरेट रहा या सिंपल रहा? जीके तो काफी हार्ड थी। जीके हार्ड थी? हाँ। अच्छा, साइंस के काफी क्वेश्चन थे, 6-7 के लगभग। 6-7 के लगभग क्वेश्चन थे। तो क्या पूछा गया उसमें? बायो पूछा गया, फिजिक्स पूछा गया। बायो थी, बायो के 3 क्वेश्चन थे। आपको याद है कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं पड़ रहा है, ऐसे कुछ था। एक तो उसका मैंगो का वैज्ञानिक नाम आया था। अच्छा अच्छा। और अगर पूछा जाए एमपीएस कोई क्वेश्चन आया था? एमपीएस कोई क्वेश्चन नहीं था। एमपीएस कोई क्वेश्चन था? मैथ्स और रीजनिंग कैसा रहा आपका? मैथ रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल थी, मैथ फिर भी। हां, फिर भी एक दो क्वेश्चन जैसे थे ज्यादा हार्ड थे मैथ उसके। मैथ वाले मैथ्स में से कौन-कौन टॉपिक जो आए हुए? चक्रवृद्धि ब्याज थी जी, और परसेंट था, लाभ हानि भी थी। अच्छा, और अगर बात कर सिंपलीफिकेशन, कोई क्वेश्चन? सिंपलीफिकेशन 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन तो सिंपल थे या थोड़ा हार्ड थे? बात कर अपना अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सरलीकरण में से भी था। अच्छा, अर्थशास्त्र में से बजट में से दो आए थे। एक तो आया था इंदिरा गांधी वाला, उसके लिए कितना बजट दिया जाता है पुरस्कार में। और एक इतिहास से भी था कि कुछ, क्या बताऊँ आपको, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, 3 क्वेश्चन। डेट पूछी गई थी उनमें कि ये किसने स्थापित किया, ये इसकी डेट कौन सी थी, और ये कुछ ऐसे कर था, आगर किस चीज से मिलता है, किसे प्राप्त होता आगर जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये साइंस। और अगर बात करें मैथ्स में कोई एडवांस लेवल पूछा गया है? एडवांस कोई सवाल? हाँ, 3 क्वेश्चन हो या त्रिभुज हो, 3 थे। एक समचतुर्भुज से था, एक वृत्त से था, एक आयत से था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इन साथियों। एक नए विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इससे हम जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, इनका पेपर आज कैसा रहा है। तो आपका शुभ नाम? भरत राम राठौड़। भरत राम, कहाँ से आए हो? खंडवा से। खंडवा जिले से आए हो। तो आज का पेपर कैसा रहा, हाई रहा, मॉडरेट रहा या सिंपल था? सिंपल ही था सर, वो तो मतलब सिंपल ही पेपर था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैथ्स रीजनिंग में, जीके जीएस में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे, क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला आज के पेपर में? नहीं सर, बदलाव तो नहीं, जो डेली आ रहे हैं ना उसमें से आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं उसमें से आ रहे हैं। अगर पूछे मैथ्स और रीजनिंग कितने नंबर का आ रहा है? 60-65 नंबर भाई, 60-65 के 60-65 नंबर का ही आ रहा है। ठीक है, इसमें मुझे बताओ मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जो जोड़े गए हैं, या क्या क्या आ रहा है मैथ्स में? मैथ्स में वही सर, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, दर वर वाले ही आ रहे हैं सर। दर वगैरह वाले। और अगर बात करें टाइमिंग वाले, टाइम रेशो वाले आ रहे हैं। टाइम रेशो वाले, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था? यस, टाइम एंड वर्क से आया था। और अगर बात करें लाभ हानि वगैरह, लाभ हानि से आए थे। लाभ हानि से पूछा गया है। और अगर बात करें एडवांस लेवल में कुछ पूछा रहा है? नहीं सर, एडवांस लेवल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एक दो आए होंगे। अच्छा, एक दो आए होंगे। और अगर बात करें रीजनिंग कैसा रहा आपका? रीजनिंग ठीक रहा सर। रीजनिंग ठीक रहा आपका? हाँ। तो रीजनिंग में कोई टॉपिक जो आपको याद हो? रीजनिंग में सर वही जो विलुप्त नंबर वंबर रहते हैं, विलुप्त नंबर, नंबर सीरीज वगैरह पूछा गया। नंबर से। अगर बात करें दर्पण प्रतियोगिता से कोई क्वेश्चन आया था? आए थे ना सर, 2-4। 2-4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन दर्पण। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस में क्या रहे बेटे, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से? फिजिक्स से आए थे सर, फिजिक्स से क्वेश्चन आया था। चलिए, हमारी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है। बेटा आपका नाम क्या है? खुशबू गिन्नारे। खुशबू गिन्नारे, कहाँ से हैं आप? हम अभी इंदौर में रहते हैं, प्रॉपर खंडवा से। अच्छा, आपकी तैयारी कैसी रही थी इस एग्जाम के लिए? इस एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं प्रिपरेशन कर पाए थे हम। अच्छा, ज्यादा नहीं कर पाए थे, 1 महीने करी है। चलिए ठीक है, आपको आज मैथमेटिक्स कैसी लगी, टफ लगी या? मैथमेटिक्स तो हमने एनालिसिस के हिसाब से किया था, तो बहुत सिंपल था, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, एकदम सिंपल पूछा जा रहा है। मेनली आपको प्रश्न कहाँ से देखने को मिले? सिंपलीफिकेशन से प्रश्न थे? हाँ, सिंपलीफिकेशन से, प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से थे, और हाँ एसआई सिंपल, और एवरेज से एक दो थे, और बस, और क्लॉक वगैरह से आए हैं प्रश्न। हाँ, और रीजनिंग में क्लॉक से तो ज्यादा ही पूछे गए हैं, क्लॉक पूछा जा रहा है रीजनिंग में, अल्फाबेट, हाँ अल्फाबेट पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज पूछा जा रहा है, मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है, और एमपीजी के वो जीएस में एमपीजी के पूछा जा रहा है, 4-5 प्रश्न पूछे थे एमपीजी के। क्या हाँ, एमपीजी के क्या आया था? आप कहाँ से, किस सेक्टर से आए? जैसे एमपी में पूछा था कि हीरा उत्पादन कहाँ पर होता है? अच्छा, तो पन्ना में होता है, और एक दो और कोई से 3-4 मंदिर कंटिन्यू दिए थे। अच्छा, तो वो मंदिर पूछा था कि ये मंदिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, ये पूछा। मेले वगैरह पूछे कुछ? नहीं, मेले वगैरह कुछ नहीं पूछा। और जो अभी ज्योग्राफी से प्रश्न आ रहे थे थोड़े दिन पहले के, केरल की वेशभूषा और इनके ऊपर? नहीं, लोक नृत्य मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, बट लोक नृत्य एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स में एक दो आए थे कोई से, वो याद नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। बजट से था? हाँ, बजट का नहीं याद है।
याद नहीं है, और कोई हिस्ट्री में युद्ध से हो या कोई से हिस्ट्री में हिस्ट्री का नहीं याद आ रहा है। पेपर सिंपल था बट मतलब नंबर मतलब ये बोल सकते हैं मॉडरेट था एक हिसाब से। हाँ, ज्यादा टफ भी नहीं आ रहा है और ज्यादा इजी भी नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। एक और हमारी दीदी हमसे जुड़ चुकी है, आपका नाम क्या है? संध्या जी। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर कहाँ पे पड़ता है? लाहौर जिला भिंड। अच्छा, भिंड से ही। हाँ। चलिए भैया, चंबल की राजकुमारी जी यहाँ आई हैं। आपके नंबर कैसे रहे? 70 नंबर। प्रिपरेशन कब से कर रही हैं आप? अभी शादी हो गई थी, 21 मई की थी, तो अभी 8-10 दिन मायके में आए तब पढ़ाया बस। बहुत बढ़िया, 8-10 दिन में आपने पढ़ाई करके 70 नंबर कमाए। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब अभी नहीं किया आपने। तो आपके साथ आपके हस्बैंड आए? अच्छा अच्छा। तो एक चीज बताइए कि आज टफ था पेपर, मॉडरेट था या इजी था? इजी था, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए ठीक है। आपको मैथमेटिक्स से कहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले? समय दूरी और क्या कहते हैं लाभानी और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या कहते हैं मेंसुरेशन से था एक क्वेश्चन, और क्या कहते हैं परसेंट से भी थे, समीकरण टाइप के थे, वैसे ज्यादा नहीं थे। सिंपलीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चन थे। हाँ, और एक एडवांस मैथमेटिक्स से कुछ आया नहीं? बोल तो रहा है बस एक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत इजी है मैथ। चलिए ठीक है। बाकी रीजनिंग वगैरह? अच्छा, प्रायिकता से एक है, प्रोबेबिलिटी से एक ही था बस, एक ही है बस। अच्छा अच्छा। एक और चीज है, जीएस, जीके जीएस में से कहां से देखने को मिले आपको? साइंस अच्छी आ रही है, हमने पढ़ी है, उसमें से आ गई। हां, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री किसमें से ज्यादा है? वो बायो और फिजिक्स थी। अच्छा, बायो और फिजिक्स ज्यादा थी। हां, बायो में कहां से कुछ क्वेश्चंस? पादप जगत वगैरह। हां, शैवाल जी सब। और मानव शरीर वगैरह से? हां, मानव शरीर से था। और नेत्र से थे कुछ या नहीं थे? नेत्रों में से रेटिना वगैरह या वो क्या कहते, प्लेलेट से था एक क्वेश्चन, प्लेटलेट से। हां ठीक है। और फिजिक्स में वो राशियों से था। अच्छा। ये जूल राशि किसकी होती है? अच्छा, 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 अच्छा। हाँ। अदिस राशि। हाँ, और ये वगैरह। हाँ। और ज्योग्राफी में और कहां से आया होगा प्रश्न? करंट के थे दो तीन क्वेश्चन। अच्छा, करंट के बजट था, बजट में पूछा था एक क्वेश्चन 2020-21 का बजट। अच्छा, एमपी से पूछे इस बार? एमपी से तीन चार क्वेश्चन थे। अच्छा, पहली बार तीन क्वेश्चन पूछे हैं एमपी वालों ने। हाँ। उसके बाद में इकोनॉमिक्स थे, वैसा कोई नहीं समझ पाएगा एमपी से, लेकिन एमपीए से थे। अच्छा, डायरेक्टली ये सब पूछा नहीं सामने से। अच्छा, और अगर पूछे इकोनॉमिक्स से? ध्यान नहीं है। हिस्ट्री से? शाहजहां ने कहां तक वो सबसे ज्यादा शासन कहां पर किया था? अच्छा, शाहजहां ने सबसे ज्यादा शासन कहां पर किया था? आगरा, दिल्ली, ये सब। हां, ऐसे ही थे ऑप्शन। चलिए चलिए ठीक है। और रीजनिंग से कहां से देखने को मिले प्रश्न? रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कोडिंग। और अल्फाबेट? हाँ, अल्फाबेट भी थे। क्लोक नहीं था, वो कैलेंडर का था एक क्वेश्चन। अच्छा, कैलेंडर का ये क्वेश्चन था आज। चलिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। व्यू लिए, उसमें जाना कि आज भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस थे, आज भी एलसीएम से क्वेश्चंस थे, उसके बाद में आज भी एसआईपीआई वगैरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जो मैथमेटिक्स है वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है, एज इट इज आ रहा है। और आज एक कैलेंडर, जैसे हम रीजनिंग की बात करें तो कैलेंडर का क्वेश्चन था आज, उसके साथ साथ अल्फाबेट के तो प्रश्न आ ही रहे हैं, यानी जैसा हमारा प्रश्न बनता जा रहा है, प्रश्न पत्र वैसा ही बना है। और आज ये सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि आज एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, यानी 3-4 क्वेश्चंस एमपी के थे, यानी धीरे धीरे वो एमपी पूछने लगा है। संभावना ये जताई जा सकती है कि आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें एमपी का वेटेज हो सकता है और बढ़े, इसलिए एमपी को भी अब ध्यान में रखिएगा। लगातार इकोनॉमिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे आज जीडीपी वगैरह से भी एक प्रश्न था, उसके बाद में आज ज्योग्राफी से भी कोयला वगैरह से था कि जो पन्ना है, पन्ना से एक प्रश्न था कि इस चीज़ की खदान कहाँ पे है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे रिव्यू को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।